Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain you guys the engineering material and their properties. I will explain all the properties one by one. But before I start the video, अगर अब तक आपने MS tutorial को subscribe नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस चैनल पे आपको रेगुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से वीडियोस मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपको RGPV की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। अब इंजीनियरिंग और मटेरियल, ये दोनों वर्ड से आप अवेयर हैं और इस दोनों के बारे में आपको पता होगा, बट जितने भी मटेरियल हैं उन सबको आप इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं बोल सकते हो। वैसे मटेरियल जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस या मैन्युफैक्चरिंग्स या किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उन्हीं को हम इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, या फिर पॉलीमर्स हो गया, सेरामिक्स हो गया, या फिर कोई कंक्रीट हो गया, ये सब चीज़ें हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस इन द सेंस कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट बनाते हैं या फिर सिविल में जो यूज करते हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है, उन सब को हम इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपका फ्लोर हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, आप इन सब चीज़ों को इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं बोल सकते। ये भी मटेरियल है बट इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं है। इंजीनियरिंग मटेरियल हम सिर्फ उसे बोलते हैं जिनका यूज हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। मेनली जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग मटेरियल में आता है वो मेटल्स हैं, देन सिरामिक्स आते हैं, देन कुछ पॉलीमर्स का भी यूज करते हैं, और देन कंपोजिट्स। अब वन बाय वन थोड़ा बहुत मैं इन सब के बारे में ओवरव्यू दूंगा। वैसे तो आप सबको इसके बारे में पता होगा बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँगा कि होता क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल, मेटल हम नॉर्मली उसे बोलते हैं जिसके पास मेलिएबिलिटी, लस्चर, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्डनेस और डक्टिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज हो। अब इन सब प्रॉपर्टीज को मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तब पहले अभी बस ये लस्टर के बारे में, लस्टर का मतलब होता है जो साइन करता है। जैसे मेटल को आप देखो या फिर कोई भी मेटल ले लो, गोल्ड हो या सिल्वर हो या फिर कास्ट आयरन हो या फिर आयरन हो, कोई भी मेटल ले लो, उसमें देखो एक अलग ही टाइप का साइन होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक या फिर नॉन मेटल्स। उसी तरह सिरामिक्स, सिरामिक्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या तो क्रिस्टल होते हैं या तो फिर एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। नौ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इन दोनों के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इन पे एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी हमारा टॉपिक ये है कि सिरामिक्स। तो सिरामिक्स मेनली जो होता है एमॉर्फस या तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के सॉलिड्स होते हैं। और इनका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं और हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं, और साथ ही साथ ये हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन करते हैं। तो जिस प्रॉपर्टीज की वजह से इसको यूज किया जाता है वो इसका मेनली ये वाला प्रॉपर्टीज है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है कोरोजन का। तो इसके वजह से इनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर बेसिकली नॉन मेटल्स में आता है, और पॉलीमर्स के बारे में आप सबने ट्वेल्थ में भी पढ़ा ही होगा। तो ये सिंपली जो है लॉन्ग चेन वाले ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है। बट हाँ, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे कि ये डक्टाइल होते हैं और लो थर्मल स्टेबिलिटी, लाइट वेट, इसका वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इसमें ये ट्रांसलुएंसी ये प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट्स। कंपोजिट्स सिंपली आप मेटल को, सिरामिक्स को और पॉलीमर्स को, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो है कंपोजिट्स बनाया जाता है। और स्पेशल बात यह है कि जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो इस कंपोजिट्स में इन तीनों का प्रॉपर्टीज थोड़ा थोड़ा रहता है। सो बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम कंपोजिट्स का यूज करते हैं जहाँ पे हमें इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, मेटल, सिरामिक्स और पॉलीमर्स तीनों के। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, और वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ सभी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि आप, जैसे ये आपका मेटल हो गया, आप इस पर कहीं पे भी पेनेट्रेट करो तो इसका जो सरफेस है वहाँ पे कोई स्क्रेच नहीं होना चाहिए या तो फिर कोई भी इंडेंटेशन नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हार्डनेस। यहाँ पे मैंने जस्ट वन लाइन में लिखा हुआ है शॉर्ट में, एबिलिटी टू रेजिस्ट पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन इन द सेंस आप कहीं पे भी सरफेस पे आप थोड़ा सा भी चोट पहुंचाओ तो उसके पास ये जो प्रॉपर्टीज हो कि उस पेनेट्रेशन से उसके सरफेस पे कोई भी डिटोरिएशन ना हो,
तो इस प्रॉपर्टीज को हम हार्डनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इन द सेंस कोई भी मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल होगा, इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से ये मटेरियल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स में ब्रेक होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो एबिलिटी टू रजिस्ट और कैरी द एक्सटर्नल लोड विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी पे बेस्ड मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, अगर अब तक आपने नहीं देखा हुआ है तो आप उसको देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप उस मटेरियल पे कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो, जैसे ये आपने लोड लगा दिया और आपने लोड अगर टेंसाइल लगाया तो ये एक्सपांड होगा, और फिर जैसे ही आप ये टेंसाइल लोड हटाओगे यहाँ से तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने फिर से उसी शेप को रिगेन कर लेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल लोड, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। अब प्लास्टिसिटी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होता है। एक प्रॉपर्टी ये हुआ कि आप एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटाओगे वो फिर से रिगेन कर लेगा, ओके। अब अगर शेप ने रिगेन नहीं किया और एक्सपांड का वो एक्सपांड ही रह गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी हैविंग परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, तो इस प्रॉपर्टीज को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है मेनली, और इन दोनों में डिफरेंस बस थोड़ा सा ये है कि मेलिएबिलिटी के केस में कंप्रेसिव फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हैं और डक्टिलिटी के केस में टेंसाइल फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हैं। अगर किसी भी मेटल के पास प्रॉपर्टी हो कि आप उसको कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सको तो उसको आप मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज बोलोगे, और अगर किसी मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी है कि आप टेंसाइल फोर्स लगा के पुल नेचर का फोर्स लगा के उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको विदाउट एनी रैप्चर, तो वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों के केस में आपको बस ये डिफरेंस याद रखना है कि मेलिएबिलिटी के केस में कंप्रेसिव फोर्स से डिफॉर्मेशन होता है और डक्टिलिटी के केस में टेंसाइल फोर्स से डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटलनेस। नाउ ब्रिटलनेस एक ऐसा प्रॉपर्टीज है किसी भी बॉडी का जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ही आप ये बॉडी ले लो और इस पर आप फोर्स लगाओ दोनों तरफ से, तो ये क्या होगा कि एक अपने स्ट्रेंथ तक इस फोर्स को बियर करेगा, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सपांड करके ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये सीधा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिफनेस। अब ये जो प्रॉपर्टी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एबिलिटी टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर द एक्सटर्नल लोड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होना चाहेगा, बट आपने ये देखा होगा कि स्टार्टिंग में आप कहीं पे भी फोर्स लगाओ किसी भी मेटल में तो स्टार्टिंग में वो डिफॉर्मेशन नहीं होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो उसके बाद धीरे धीरे डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जो डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है, जो उस डिफॉर्मेशन को रोकने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी, उस प्रॉपर्टीज को जो है स्टिफनेस बोलते हैं। मतलब कोई भी एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो और उस एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको जो कंट्रोल करके रखता है उस प्रॉपर्टीज को स्टिफनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टफनेस। अब बहुत सारे जो मटेरियल ऐसे होते हैं या फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जिसमें कंटिन्यूस लोड नहीं, सडन लोड लगता है या फिर बार बार फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहता है, तो वहाँ पे हमें ऐसा मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है जिसके पास शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो जो कि इम्पैक्ट लोड को बियर कर सके। लेट्स अज्यूम जैसे आप कोई भी एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो और एक मेटल ले लो, ठीक है। अब प्लास्टिक के टुकड़े पर आप हथौड़े से मारो तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस है, बट अगर ये कोई मेटल है तो वो फ्रैक्चर नहीं होगा। तो इम्पैक्ट लोड को झेलने का जो कैपेसिटी है, वो जो प्रॉपर्टीज होता है, उसको टफनेस बोलते हैं। एबिलिटी टू रेजिस्ट शॉक लोड और इम्पैक्ट लोड। नेक्स्ट है हमारा क्रीप। एबिलिटी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली ड्यू टू लोड अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई लोड अप्लाइड कर दो किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में तो धीरे धीरे उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते रहता है, तो उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रहता है, उस प्रॉपर्टीज को क्रीप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैटिग। जैसे कि कोई मटेरियल है और आप उस पर बार बार जो है कुछ टाइम इंटरवल पे लोड लगा रहे हो, चाहे वो रिवर्स लोड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग लोड हो, बट आप इंटरमिटेंट टाइम पे लगा रहे हो, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे लोड लगा रहे हो, तो ये चांसेस होता है कि
ये जो मटेरियल है ज़्यादा जल्दी फेल हो जाए। तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका बियर करने का कैपेसिटी, जिनका ये इंटरमिटेंट लोड बियर करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है और बहुत क्या कम, तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम फैटी प्रॉपर्टी टू रजिस्ट अ रिपीटेबल और फ्लैक्चुएटिंग लोड। जो जितने देर तक सस्टेन करेगा उसका फटीग प्रॉपर्टीज उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जो कम करेगा उसका उतना कम होगा। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्टिनेस। रिफ्रैक्टिनेस का मतलब कोई भी मटेरियल जितने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर सकता है उसका रिफ्रैक्टिनेस प्रॉपर्टीज उतना ज़्यादा है। जैसे सिरेमिक्स का रिफ्रैक्टिनेस प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होता है, उसका हम बेसिकली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज तो आप सबको पता ही होगा। तो ये ऑलमोस्ट मेन प्रॉपर्टीज़ था हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, जिनको कंसीडर करके हम बेसिकली सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच, गुड लक।